हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर एंडेवर। सो कैरियर एंडेवर स्टार्ट करने जा रहा है ऑनलाइन लाइव क्लासेस फॉर द कंप्यूटर साइंस बैच फॉर द पोस्ट साइंटिस्ट बी, दैट इज अ ग्रुप ए पोस्ट गैजेटेड एंड साइंटिस्ट ऑफिसर इंजीनियर एस बी पोस्ट गैजेटेड एंड साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंस ए पोस्ट ग्रुप बी पोस्ट नॉन गैजेटेड पोस्ट विच इज द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। सो इसकी जो पोस्ट है साइंटिस्ट बी के लिए वो है 71 पोस्ट, साइंटिस्ट ऑफिसर इंजीनियर जो है 196 पोस्ट है और साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट जो है वो 331 पोस्ट है। ये जो हमारा ऑनलाइन बैच रहेगा ये टू वे कम्युनिकेशन रहेगा जिसमें आप टीचर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये जो हमारी लाइव क्लासेस चलेगी इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है या फिर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऐप के ऊपर ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा प्रैक्टिस सेट्स और उसके साथ साथ जो टेस्ट कराए जाएंगे टॉपिक वाइज वो सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये जो पोस्ट है मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको, ये जो पोस्ट है इन पोस्ट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए अगर आप देखोगे तो साइंटिस्ट बी जो फर्स्ट पोस्ट है उसके लिए आपको या तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, मास्टर्स डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में होनी चाहिए, एमएससी एमई एमटेक होनी चाहिए या मास्टर डिग्री फिलोसफी एमफिल होना चाहिए। कुछ यहाँ पे फील्ड्स लिखे हुए हैं, इन पर्टिकुलर फील्ड्स के अंदर या किसी एक फील्ड या कॉम्बिनेशन के साथ भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का मेंशन कर रखा है इन्होंने। इसके साथ साथ अगर हम देखें फॉर द साइंटिफिक ऑफिसर और जो नेक्स्ट पोस्ट है दैट इज साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंस, इसमें भी जो इन्होंने मांगा हुआ है दैट इज एमएससी एमएस एमसीए बीई या बीटेक, इन्हीं टॉपिक में से यहाँ पे जो मेंशन कर रखे हैं पर्टिकुलर इन टॉपिक में से या तो किसी एक सब्जेक्ट में या फिर एक से ज्यादा में भी अगर कर रखा हो तो हम एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। तो कंप्यूटर साइंस इसमें भी मेंशन है। ये आप जो फॉर्म है वो 4 अप्रैल तक भर सकते हैं, ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। तो अगर हम अप्लाई करेंगे इन पोस्ट के लिए तो साइंटिस्ट बी जो पोस्ट है यहाँ पे और जो नेक्स्ट पोस्ट है दैट इज साइंटिफिक ऑफिसर की, इसके लिए इन दोनों के लिए आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है। इसके साथ साथ इंटरव्यू में सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा जिसमें से अगर हम देखें तो एग्जामिनेशन जो है उसकी वेटेज 85% है और 15% वेटेज रहेगी आपकी इंटरव्यू की। लेकिन जो थर्ड पोस्ट है दैट इज साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका जो टेस्ट रहेगा दैट इज जो आपका एग्जामिनेशन रहेगा वही आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा इस पोस्ट के लिए। और अगर इसका हम एग्जाम पैटर्न देखें, अगर हम इसका एग्जाम पैटर्न देखते हैं तो इसका एग्जाम जो है वो ऑनलाइन मोड में होगा जिसमें 120 क्वेश्चंस रहते हैं और ड्यूरेशन आपका रहता है एग्जाम का 3 आवर्स। इसमें जो वेटेज है वो क्या है, दो टॉपिक्स में बांटी गई है जिसमें से 65% वेटेज दी गई है किसको, टेक्निकल एरिया को, जो भी हम देखेंगे सिलेबस थोड़ा बहुत। तो टेक्निकल एरिया जो है उसमें 65% की वेटेज है और बची हुई जो 35% वेटेज है वो दी गई है किसको, जेनरिक एरिया को। और इसमें 1 मार्क्स रहेगा हर क्वेश्चन के लिए और आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की। और इनमें इन्होंने मिनिमम परसेंटेज भी दे रखी है क्वालिफाई करने के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए यह रहेगा 50%, 40% ओबीसी, 30% इज फॉर एससी एसटी कैटेगरी। और जो कट ऑफ मार्क्स जो निकलेंगे वो एप्लीकेबल होगा, तो ओवरऑल मार्क्स की भी कट ऑफ निकाली जाएगी और सेपरेटली जो आपके टेक्निकल और जेनरिक पार्ट है इसकी भी कट ऑफ जो है वो मेंशन करेंगे रिजल्ट के अंदर। इसके बाद अगर हम थोड़ा बहुत इसका आइडिया लें तो इन पोस्ट का जो आपका सिलेबस रहेगा वो कुछ इस तरीके से इन्होंने डिवाइड कर रखा है जिसमें आप देखोगे कि ड्यूरेशन 3 आवर्स यहाँ पे लिखी हुई है इन्होंने कि 120 क्वेश्चंस है और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स है और नेगेटिव मार्किंग 0.25 अभी हमने देख ही लिया है। और साथ ही साथ इन्होंने दो सेक्शन में आपका डिवाइड कर रखा है, दैट इज सेक्शन ए इज जेनरिक पार्ट जिसके अंदर रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड रहेंगे क्वेश्चंस जो कि आपकी वेटेज रहती है 35% और बची हुई 65% की जो आपकी वेटेज रहती है वो रहती है टेक्निकल पार्ट की जो कंप्यूटर साइंस का पूरा सिलेबस है। इन्होंने 14 यूनिट्स में आपका डिवाइड कर रखा है फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी। तो 14 यूनिट्स है अगर आप देखो तो, डिजिटल लॉजिक, प्रोबेबिलिटी स्टैटिक, ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन, ये सारे जो है वो 14 यूनिट्स के अंदर 15 यूनिट्स में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। इसके बाद जो सेकंड पोस्ट और थर्ड पोस्ट जो निकाली है इंजीनियरिंग एसबी और साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंस, उसमें जो डिवीजन कर रखा है सेम वही रहेगा पैटर्न, दैट इज 35% जेनरिक जिसमें आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड वगैरह रहेगा और 65% कंप्यूटर साइंस टॉपिक रहेगा जिसके अंदर इन्होंने
सिलेबस थोड़ा सा कम करा है, दैट इज 11 टॉपिक्स रहेंगे। इसके साथ साथ फर्दर हमारा जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है, दैट इज 25 मार्च 2023 को, और आप फर्दर डिटेल्स हमारे बैच की ले सकते हैं कॉन्टैक्ट करके हमें इस नंबर पे, दैट इज 9899628311 पे, और साथ साथ आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.careerendeavor.com। फर्दर डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, हमारे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।